फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले लौकी को कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक कांदा और हरी धनिया, साथ में ऐड करेंगे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट और एक कप बेसन, और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्च और इसमें जीरा। कोफ्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेसन को लो फ्लेम में हल्का सा भून लेना है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं लौकी के कोफ्ते। सबसे पहले हमने जो भुना हुआ बेसन इसे ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे हरा धनिया और जो हमने मिर्ची ली थी और इसे भी डाल देंगे। साथ ही में हम ऐड करेंगे फूड कलर, जिससे हमारा कोफ्ता अच्छा कलर आए, ऑरेंज फूड कलर हल्का सा, और नमक स्वाद अनुसार एक चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर कोफ्ते का अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी से कोफ्ते बना लेंगे, टेस्टी कोफ्ते झटपट बनाए। देखिए हमारे कोफ्ते कितनी अच्छी तरीके से बन चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे, झटपट बनाएंगे कोफ्ते टेस्टी। सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसमें 2 टीस्पून ऑयल लेंगे, इसे हाई फ्लेम में हीट करेंगे, उसके बाद हम अपने कोफ्ते को फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा हीट हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते को फ्राई करेंगे हल्का ब्राउन होने तक लो फ्लेम में। ये देखिए हमारे कोफ्ते अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे झटपट। ग्रेवी बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 टीस्पून ऑयल लेना है, उसे भी हीट कर लेना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक कांदा, इसे पिंक होने तक अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा कांदा पिंक हो चुका है। अब हम इसमें अपना पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से इसे चला लेंगे। इसके बाद हम अपने इंग्रेडिएंट डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और हम अपने ग्रेवी को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में भूनेंगे और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना कर सकते हैं, और इसे हाई फ्लेम में 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ता, इसे डाल देंगे अच्छे से। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हमारे लौकी के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। देखिए बहुत ही इजी, आसान और टेस्टी कोफ्ते, आप भी ट्राई कीजिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब। देखिए हमारा कोफ्ता लौकी का जो तैयार हो चुका है, देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। झटपट बनाए लौकी के कोफ्ते। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।